हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ विप्रो शेयर के बारे में। स्टार्टिंग में आज फर्स्ट हाफ में आईटी शेयर में कहीं ना कहीं मोमेंटम दिख रहा था, उसके बाद से कंटिन्यू फॉल देखने को मिला है। बट फिर भी आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं मार्केट में ग्रीन में बंद होता हुआ दिखा है। लेकिन विप्रो शेयर को आप देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक आज अपने डे लो पे बंद होता हुआ दिखा है। विप्रो की बात करें तो ओपन हुआ था 600 पे, जिसके बाद हाई लगाया 606 के पास और क्लोजिंग देखने को मिली आपको 597 के अराउंड की। और लो की बात करें तो 596 का लो था आपका, तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल डे लो पे ही बंद हुआ है शेयर। और वॉल्यूम्स भी शेयर में बिल्कुल जुड़ नहीं रहे हैं। 4 मिलियंस के वॉल्यूम्स आज जुड़ते हुए दिखे हैं, 4.6 मिलियन के वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं। जहाँ पे एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो अप्रॉक्स 8 मिलियन के एवरेज वॉल्यूम है। गाइस, इस शेयर में कामकाज नहीं हो रहा है, बट इस शेयर में इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा बड़ा भरोसा रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें एक तो आपको बोनस मिलता हुआ दिखता है शेयर्स का, और कंपनी अब काफ़ी टाइम लॉन्ग टर्म से गाइस रिवॉर्ड देती हुई आई है अपने इन्वेस्टर्स को। अगर इसके एक साल की बात करोगे तो एक साल में आपको 100%+ के रिटर्न दे चुका है शेयर्स, 115% के रिटर्न दे चुका है। 6 महीने में भी बेहतरीन रिटर्न दे चुका है आपको शेयर। आप बड़े टर्म की बात करोगे तो 5 साल का चार्ट खोल के देखोगे आपको तो आपको मिलेंगे मोर देन 200% के रिटर्न, और इसमें आपका कहीं ना कहीं शेयर में एक आध बार बोनस भी दे चुका होगा। गाइस, बोनस क्या होता है वो आप सभी को पता है कि कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करके हाफ कर देती है, या जिस भी रेशियो में डिवाइड करती है उसी रेशियो में शेयर का प्राइस डिवाइड हो जाता है। होप आप सभी को समझ में आया होगा बोनस क्या होता है। गाइस, अब बात करते हैं विप्रो शेयर में लेटेस्ट। अगर आपके पास फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं आप शेयर में, या फिर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, तो क्या होगी मेरी आपके लिए राय। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आगे मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, अब बात करते हैं शेयर प्राइस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेयर में आज कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिला है गाइस, लेकिन ये शेयर ऑलरेडी आईटी को आउट परफॉर्म कर चुका है। गाइस, इस शेयर की बात करें तो 3 महीने में आपको देखने को मिलेगा इस शेयर में बहुत ही ज़्यादा शानदार 20% तक के रिटर्न्स आ चुके हैं। शेयर 500 रुपये के लेवल से शेयर 600 रुपये पे आ गया है, 20% के रिटर्न हो चुके हैं गाइस शेयर में। और शेयर अपना 52 वीक गाइस 614 पे लगा के बैठा हुआ है अब आराम से। अब यहाँ कहीं ना कहीं ये शेयर कंसोलिडेट हो रहा है, तो ये मत समझिए शेयर शेर शांत है। अभी कहने वाली बात ये है गाइस, इस शेयर में अगर आपके पास पोजीशन और 600 के लेवल से 600 से भी ऊपर के लेवल की पोजीशन है, क्योंकि ये शेयर में गाइस किसी भी लेवल पे इन्वेस्टर्स बाय करने के लिए उतर आते हैं, क्योंकि ये शेयर पे भरोसा ही इतना है उन शेयर्स इन्वेस्टर्स का। बट उनको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर आप किसी भी लेवल पे किसी भी शेयर में बाय करोगे ना, वो विप्रो ही नहीं कोई भी हो, कितना ही बढ़िया शेयर हो, तो आप कहीं ना कहीं फंसने के लिए तैयार रहो। क्यों? क्योंकि गाइस लेवल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो तो नो डाउट आप अच्छी कंपनी में बाय कर रहे हो, लेवल्स हाई पे बाय कर लिया तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, कुछ टाइम तक लेट हो या फिर ना भी हो, लेकिन आपको प्रॉफिट देगा शेयर, आपका रिवॉर्ड जरूर देगा। अगर फंडामेंटली अच्छा है, अच्छी कंपनी और विप्रो जैसी कंपनी, तो श्योर देगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन आप ट्रेड करते हो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने 1 हफ्ते 2 महीने या 2 हफ्ते के लिए, और आप क्या सोचते हो कि मैं किसी भी लेवल पे बाय कर लूँ विप्रो शेयर है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो ये आपकी गलत थिंकिंग है। कहीं 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा शेयर, बट आप अगर लेवल गलत बाय कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको वो शेयर करेक्शन दिखा सकता है, लॉस भी दिखा सकता है, और हो सकता है प्रॉफिट कम दिखाए। इसलिए अगर आप छोटी अवधि के लिए, मीडियम टर्म के लिए बाय कर रहे हो, तो आपका प्राइस है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपने 600 से भी ऊपर खरीदा है, तो आपने 52 वीक हाई पे खरीदा है शेयर, अभी आपके लिए क्या राय होगी उसके बारे में बात करेंगे। गाइस, मैंने 1 महीने का चार्ट खोला, 1 महीने के चार्ट में मुझे यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन दिख रहा है, पूरा कंसोलिडेशन। और इसके लोअर लेवल जो है 562, जो कि इस हाई से पहले 562 का ही 52 वीक हाई था, जो कि शेयर ने ब्रेक करा और शेयर 600 के लेवल्स पे आया। गाइस, यहाँ पे आपका देखो पहला सपोर्ट 580 का बन के आ रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, और दूसरा 560 का ही बन के आ रहा है, जो कि नहीं ब्रेक होना चाहिए। और लेवल्स की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट खड़ा है शेयर, बिल्कुल कंसोलिडेशन चल रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो 630-640 तक के लेवल्स जरूर आते हुए दिखेंगे आपको शेयर में। रिक्स रिवॉर्ड की बात करें तो 40 ऊपर 40 नीचे, तो कहीं ना कहीं फ्रेश एंट्री के लिए मौका मुझे नहीं लगता बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, अगर शेयर आपको 585 के लेवल्स पे मिले तो आप बाय करें 580 के एसएल के साथ, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 5 पॉइंट का हो जाएगा, लेकिन रिवॉर्ड जो होगा आपका वो 20-25 पॉइंट यानी 600-605 के लिए आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि शेयर इस रेंज में दोबारा ऊपर की रेंज में आएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा और आपने नीचे की रेंज में बाय कर लेंगे। लेकिन आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है तो आपके लिए अभी दोनों साइड बराबर हैं, यानी कि रिस्क भी उतना ही हुआ है और रिवॉर्ड भी उतना ही हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या चाहिए, तो आपको पोजीशन में कहीं ना कहीं बने रहना चाहिए। मुझे लगता है शेयर ऊपर के लेवल्स दिखाएगा और 610-620 तक के लेवल्स पर शेयर जा सकता है,
क्योंकि आईटी में कहीं ना कहीं तेजी दिख रही है और आईटी मार्केट को लीड करता हुआ दिख रहा है इस टाइम, तो आप विप्रो की पोजीशन में भी बने रह सकते हैं। आज के दिन भी देखो तो आप SCL टेक, इंफोसिस और TCS कहीं ना कहीं तीनों ही हरे निशान में थे। मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए बाकी आईटी की बात नहीं कर रहा हूँ। और आपने देखा इंफोसिस में आज भी बेहतरीन तेजी देखने को मिली है ना, हालांकि 52 वीक हाई भी आई थिंक आज ही लगाया इसमें, नहीं आज नहीं लगाया 52 वीक हाई, बट हाँ 52 वीक हाई के पास ही खड़े हैं सारे के सारे शेयर। चाहे आप इंफोसिस देख लीजिए, SCL टेक देख लीजिए, TCS देख लीजिए, या फिर आप देख लीजिए विप्रो। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपनी पोजीशन में बने रहे, फ्रेश एंट्री अभी ना बनाएं, फ्रेश एंट्री जैसे मैंने आपको सजेस्ट करा वैसे ही बनाएं, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ जाएगा। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही शानदार शेयर है विप्रो, और ये हमेशा रिटर्न देता हुआ है अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये थी मेरी वीडियो विप्रो शेयर पे, होप आप सभी को पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड।